ऐसे मिटते हुए आएगा, कहेगा ओ माय गॉड, हम तो बचा नहीं पाए, थोड़ा मिस हो गया, ये हो गया। देखिए ये ससुरा डॉक्टर सब करता है क्या है, अस्पताल में जो इंसान मरने वाले रहते हैं या जो सांप लास्ट पोजीशन पर चले जाते हैं, उस इंसान को जो है ना बड़े बड़े अस्पताल में थोड़ा देर तक यानी एक दो तीन दिन तक क्या करता है, उसको जीवित रखे जाते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, धांधली होता है। और उसको जो पेरेंट्स होता है उससे जो है ना रुपया जो है पूरे डॉक्टर सब खींचते रहते हैं, समझ गए। और ये करता किस लिए है, यानी वो होता कैसे है जो इतना दिन तक वो जो है डॉक्टर उसको जीवित रख लेते हैं, अपने जो है क्षमता के कारण। तो देखिए एक वेंटिलेटर मशीन होता है अस्पताल में, क्या था? एक वेंटिलेटर मशीन, उस वेंटिलेटर मशीन से क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, यानी छाती पर रह करके उस पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं मरीज पर। और क्या कहते हैं, मरीज को उस समय तक जीवित रखे जाते हैं तब तक जो है जब तक कि गार्जियन के पास से पूरे रुपये खत्म न हो जाए, यानी थोड़ा थोड़ा सांस रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वेंटिलेटर पर जो उसको जो है दबाव डालते हैं तो थोड़ा अंदर से जो है वो भी बल लगाते हैं, तो भूख भूख करते रहते हैं यहाँ पर मरीज, तो उस तरीके से जो है पूरे रुपये ले लेते हैं। और लास्ट में जब क्या होते हैं मरीज का जो पेरेंट्स है ना गार्जियंस, जब वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब क्या हुआ नहीं हुआ, अब हमारे पास जो है यानी पैसा जो है खत्म होने जा रहा है, तब तो कोई बात नहीं, बच जाएगा बच जाएगा। और लास्ट टाइम आएगा थोड़ा दिन के बाद आंसू बहाते हुए आँख में ऐसे मिटते हुए आएगा, कहेगा ओ माय गॉड, हम तो बचा नहीं पाए, थोड़ा मिस हो गया, ये हो गया। ऐसे करते रहते हैं डॉक्टर सब। इसीलिए जब भी आप लोग जाएंगे किसी के साथ यानी कोई मरीज के साथ अस्पताल में जो है ना, मरीज के साथ एक आदमी रहिए, ऐसे तो डॉक्टर साहब सब जाने नहीं ना देता है, लेकिन कहिए हम मरीज के साथ रहेंगे, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसे घपला हो सकता है, क्योंकि ये धांधली जो है ना बड़े बड़े अस्पतालों में होता है, इसलिए उस धांधली से बच करके रहना चाहिए अस्पतालों में। जय हिंद जय भारत। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।